राजस्थान में मानसून की बारिश का दौर जारी रहेगा और मंगलवार को 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई थी। इधर बांसवाड़ा में झमाझम बारिश के चलते माही बांध के सभी 16 गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। माही बांध की कुल भराव क्षमता 221.50 मीटर है। बांसवाड़ा में ही घाटोल का हेरा डैम भी छलक गया है। वहीं सुरवानिया के भी 2 गेट खोल दिए गए हैं। मौसम विभाग की माने तो भारी बारिश का दौर 24 सितंबर तक जारी रहेगा। आपको बता दें कि माही बांध के पहले मंगलवार तड़के 2 गेट आधा आधा मीटर तक खोले गए थे। सुबह 5:30 बजे बैक वाटर से आ रहे पानी की आवक को देखते हुए माही परियोजना के जिम्मेदारों ने निर्णय लिया कि गेट खोलते समय बांध का देवल तय भराव क्षमता 281.5 के जवाब में 281.25 के करीब था, जो सुबह 8 बजे 281.30 मीटर रिकॉर्ड किया गया। उसके बाद 8 बजते ही 2 गेट और बाद में 2 गेट और यानी कि कुल 4 गेट खोले गए और उसके बाद में शाम तक सभी 16 गेट खोल दिए गए, क्योंकि बैकवाटर के अंदर पानी बहुत ज्यादा आ रहा था, इस वजह से सारे 16 गेट खोल दिए गए हैं। मध्य प्रदेश से बैकवाटर में आने वाले पानी की आवक करीब 23,000 से ज्यादा क्यूसेक बढ़ने का क्रम लगातार बना हुआ था। ऐसी स्थिति तब है जब बैकवाटर में 4,500 क्यूसेक पानी का उपयोग माही हाइडल में बिजली बनाने में किया जा रहा है। आपको एक बार फिर बता दें कि माही डैम के 16 गेट खोल दिए गए हैं और ये 16 गेट खोलने का जो विहंगम नज़ारा है उसको देखने के लिए शहर के कई लोग पहुंच रहे हैं। सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।